तो चलिए गाइस आज बनाएंगे बहुत ज्यादा यूनिक तरीके से व्हाइट ग्रेवी चिकन करी, जो बहुत ज्यादा इजी तरीके से बनाऊंगी। जिसके लिए ले लिया है एक जार, उसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही और धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डाल के प्याज डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा पेस्ट। फिर चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद एक भगोने में निकाल लेंगे। तो चलिएगा चिकन को भी निकाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, जो हमने ग्रेवी को पीस के रखा था हम वो डाल देंगे। फिर ये थोड़े से मसाले जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं वो डाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर करके 30 मिनट के लिए उसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको एक बार अच्छी तरीके से हाथ से घुमा लेंगे, ताकि जो मैरिनेशन है अच्छी तरीके से चिकन पे चिपक जाए। उसके बाद एक एक करके इसके अंदर फिर मैंने पीस डाल दिए। फिर मैंने सोचा यार पीस क्या ही डाल रही हूँ, एक काम करती हूँ, ऐसे तो बन नहीं पाएगा, कढ़ाई छोटी पड़ गई थी। तो फिर मैंने सोचा सारा चिकन इसको एक बार में डाल देती हूँ। तो फिर मैंने सारे चिकन को एक बार में डाल दिया और फिर अच्छी तरीके से चिकन को ना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं अच्छी तरीके से पहली बार तो भूनती रहूँगी उसको चिकन को। और चिकन जब अच्छी तरीके से मुझे लगेगा कि हाँ भुन चुका है, उसके बाद फिर मैं इसको ना लिड लगा करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और मैं इसके अंदर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि जो हमने दही डाला है वो ऑलरेडी अपना पानी रिलीज करता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद हमारा चिकन अच्छी तरीके से कुक हो गया है। उसके बाद हमने धनिया को कट करके अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी और टेंडरनेस, इतना मतलब टेस्टी सा हमारा जो चिकन बन के तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर खाना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरे हाथ का चिकन। और इसमें मैंने ना ही क्रीम, ना ही काजू बादाम, ना ही घी, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। बहुत मतलब कम सामान में, जो हमारे घर में नॉर्मली सामान होते हैं ना, तो उन सब सामानों से मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी सी वाइट ग्रेवी चिकन बनाकर तैयार करा है। तो आप भी इसको बनाकर खाना और मुझे कमेंट में ना बाद में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको ये कैसी लगी, और पहले बनाना और उसके बाद ही मुझे बताना, क्योंकि जब मैंने पहले बनाकर खाया है ये, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।